leader of the opposition, please keep in mind only we have 2 minutes time. Sir, don't shout. Please sit down. Sir, I was sent name here. One has to understand the system. What is my problem? What is my problem? Please try to understand. I am pained the way things are happening. On such a sensitive matter, if somebody want to, you have the tradition in this house also, and then there were occasions where some people can give a suggestion or express solidarity. I was willing. And then people try to find fault and then question me. I am really pained. I am very sorry to say this. It is a matter of national security. I thought we will all be speaking with one voice in decorum, not quarreling ourselves. Leader of the opposition, please. Sir, Honorable Chairman, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि देश की एकता और अखंडता के बारे में हम सब एक। बहुत सारे लोग और मंत्री MPs यहाँ शायद इन तीनों चारों जगहों को नाम से जानते हैं, लेकिन सियाचिन में मुझे 2 दफा जाने का मौका मिला 17,500 फुट की, और उनके साथ भोजन करने का, उनके साथ फुटबॉल खेलने का भी अवसर मिला। चशूल में आज से 30 साल पहले बोटिंग करने का, जब मैं जूनियर मिनिस्टर था इंदिरा गांधी के ज़माने में, फौजियों के साथ बोटिंग और ये जो आप फिंगर 1, 2, 3 ये सब देखने का अवसर प्राप्त मिला प्यांगोंग लेक में। और चशूल में श्रीनगर से 4 दिन गाड़ी में जाकर मैं और राजीव गांधी, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, चशूल पर पहुंचे और बंकर में रात गुजारने का अवसर भी मिला। तो हमारी जो एसोसिएशन है, उस स्टेट के नागरिक होने के नाते आज से नहीं, जब से पैदा हुए हैं तब से, क्योंकि तब से कहीं न कहीं नोक झोंक 1947 से लेकर 1962 से लेकर 65 से लेकर 71 से लेकर 99 तक होती रही। इसलिए हमारा जो संपर्क है फौज के साथ, देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, देते भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। जो भी निर्णय, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं। जहां वो थे 20 अप्रैल तक, वहीं उनको वापस जाना चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। प्रेमचंद्र गुप्ता जी और वीरेंद्र वैश्य एसोसिएट।